नमस्कार, राम राम दोस्तों। आज हम आए हैं जागेश्वर। जागेश्वर धाम उत्तराखंड में अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में आता है। यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे मंदिरों का समूह बना हुआ है। इन मंदिरों को कई समूहों में विभक्त किया गया है और ये जितने भी मंदिर हैं ये महाभारत काल से जुड़े हुए बताए जाते हैं। तो चलिए पहले मंदिरों के दर्शन करते हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार जागेश्वर धाम भगवान शिव और सप्तऋषियों की तपोस्थली माना जाता है। जागेश्वर धाम का उल्लेख स्कंद पुराण, शिव पुराण और लिंग पुराण में मिलता है। लिंग के रूप में शिव पूजन की परंपरा सर्वप्रथम जागेश्वर से ही प्रारंभ हुई। जागेश्वर धाम ही वह जगह है जहां पर सर्वप्रथम शिवलिंग की पूजा हुई। इसके बाद ही पूरे विश्व में शिवलिंग की पूजा की प्रथा आगे प्रचलित हुई। जागेश्वर में लगभग 250 छोटे बड़े मंदिर हैं। जागेश्वर मंदिर परिसर में 125 मंदिरों का समूह है, जिसमें से 108 मंदिर भगवान शिव को समर्पित हैं। कहा जाता है कि प्राचीन समय में जागेश्वर मंदिर में मांगी गई मनोकामना उसी रूप में स्वीकार हो जाती थी। ऐसे में मनोकामना प्राप्ति का दुरुपयोग होने लगा। 8वीं सदी में आदि शंकराचार्य यहाँ आए और उन्होंने इस दुरुपयोग को रोकने की व्यवस्था की। आदि शंकराचार्य जी ने यहाँ पर महामृत्युंजय शिव की स्थापना की और एक मंदिर का निर्माण कराया। उसके बाद से अब यहाँ सिर्फ यज्ञ अनुष्ठान से मंगलकारी मनोकामना ही पूरी हो सकती है। जागेश्वर धाम जाते समय रास्ते के दोनों तरफ बहुत सारे छोटे मंदिर निर्मित हैं। यहाँ मौजूद पुजारी जी ने हमें बताया कि प्राचीन काल में कैलाश मानसरोवर जाने के लिए इन्हीं रास्तों का प्रयोग होता था और जागेश्वर धाम कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग पर ही स्थित है। हाँ, इस ग्रुप में 125 मंदिर हैं, 108 भगवान शंकर के हैं, 76 मंदिर जो हैं अन्य देवी देवियों के हनुमान जी के हैं। टोटल 125 मंदिरों का समूह है और यहाँ पर यह मंदिर जो है विश्वकर्मा द्वारा त्रेता युग के बने मंदिर हैं। खुद यहाँ भगवान राम ने भी भोलेनाथ की पूजा कर रखी है, रावण ने भी पूजा कर रखी है, फिर लवकुश ने भी यज्ञ कर रखा है, सामने लवकुश कुंड है, और फिर पांडवों ने भी तपस्या कर रखी है। यहीं से पाताल भुवनेश्वर होते हुए गढ़वाल में गए, वहीं से स्वर्गारोहण हुए पांडव, और 500 वर्ष हमारी पीढ़ियाँ हो गई यहाँ पर पूजा करते करते। हाँ, यहाँ भगवान की बड़े मुख्य बड़े मंदिरों में सुबह प्रात पूजा होती है 5 बजे, फिर दोपहर में दाल चावल सब्जी का भोग लगता है, फिर शाम को श्रृंगार करके आरती होती है और जो जिस भाव से आता है बाबा उसकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। और ऋषि मुनियों ने भी भोलेनाथ यहाँ पर पूजा कर रखी है। हाँ, ये आदि अनादि काल के मंदिर हमारे। हाँ, ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री राम के पुत्र लव और कुश ने यहाँ पर यज्ञ का आयोजन किया था, जिसके लिए उन्होंने देवताओं को आमंत्रित किया। मान्यता है कि उन्होंने ही इन मंदिरों की स्थापना की थी। जटा गंगा नदी के किनारे बने ये मंदिर और केदारनाथ के मंदिर एक ही शैली से बने हुए हैं। जागेश्वर मंदिर का कोई लिखित इतिहास नहीं है। यहाँ पर मौजूद कई मंदिरों की वास्तुकला और शैली को देखकर यह प्रतीत होता है कि इन्हें 7वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य में बनाया गया होगा। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण की माने तो यहां कुछ मंदिर गुप्त काल के बाद और कुछ मंदिर दूसरी शताब्दी के बताए जाते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ये मंदिर कत्यूरी या चांद राजवंश के दौरान के हो सकते हैं। जागेश्वर धाम पहुंचने के लिए उत्तराखंड की सांस्कृतिक राजधानी अल्मोड़ा से टैक्सी या फिर अपने वाहन से 34 किलोमीटर की यात्रा कर पहुंचा जा सकता है। जागेश्वर धाम पहुंचने के लिए
नज़दीकी रेलवे स्टेशन काठगोदाम है और निकटवर्ती हवाई अड्डा पंतनगर और देहरादून स्थित जालीग्रांट एयरपोर्ट हैं। पंतनगर, काठगोदाम और देहरादून से सीधे बस एवं टैक्सी से जागेश्वर धाम पहुंचा जा सकता है। ये था जागेश्वर मंदिर समूह। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। जागेश्वर धाम।